इंतहा हो गई मेरे प्यार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की। इतनी सारी लड़कियां हैं इस ऑफिस में, मेरे हाथ एक भी नहीं लगती। आज सोच रहा हूँ किसी ना किसी को पटा के वेकेशन पे चला जाता हूँ। कम से कम मुझे सुकून तो मिलेगा। घर पे जाकर जब देखो किच 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 चलती रहती है। मुझे अब थोड़ा सा आराम चाहिए। कोई नहीं, अभी बुलाता हूँ किसी को। हेलो हेलो हेलो, अरे कोई तो बोलो, कौन है फोन पे, किसने उठाया है? अरे चिंकी, मैं ये बोल रहा था कि आओ अंदर आओ, तुम्हें कुछ फाइलें सबमिट करनी है ना, मैं तुम्हें दे देता हूँ, ठीक है? और अपनी पीपीटी भी बना लेना। 1 मिनट कैबिन में आओ और फाइल लेकर चले जाओ, ठीक है? अरे वाह, काम बन गया, अभी चिंकी को पटाता हूँ। सर, आपने मुझे बुलाया फाइल लेने के लिए? अरे मेरी जान, फाइल लेने के लिए थोड़ी बुलाया है तुमको, तुमको तो प्यार करने के लिए बुलाया है मैंने। सर, आपको शर्म नहीं आती? मुझ जैसी छोटी सी लड़की को आप इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हो, छेड़ते हुए शर्म नहीं आती? आपको डर नहीं लगता कि कहीं मैं आपकी कंप्लेंट पुलिस में जाके ना कर दूं? तुम मुझे इस तरह की धमकी नहीं दे सकती। तुमको अच्छे से पता है, अगर तुम इस तरह से बोलोगी तो मैं तुम्हें इस नौकरी से निकाल सकता हूँ। अब तो तुम्हें वही करना पड़ेगा ना जो मैं कहूँगा। और वैसे भी जिसने की शर्म उसके फूटे करम। सर, मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं कर सकती वो तो अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा, समझे? 5 साल हो गए इस कंपनी में काम करते करते, और आपकी हर एक हरकत से वाकिफ हूँ मैं। मैंने आपका इंतजाम पहले ही कर दिया है, अब कहीं ऐसा ना हो कि आप मेरे हाथ पैर जोड़े, समझे? ऐसा क्या कर दिया तुमने? जरा मुझे भी तो पता चले कि तुम कर क्या रही हो। अगर ऐसी बात है तो लाओ अपना रिजाइनिंग लेटर, साइन मैं कर देता हूँ। अब आप मुझे नौकरी से नहीं निकाल सकते, क्योंकि नौकरी से निकलने की बारी आपकी है, समझे मिस्टर चंदूलाल? और ये लीजिए, कोई आ भी गया, अब पता चलेगा आप कितने पानी में हो। अच्छा, आप इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं? तुम यहाँ क्या कर रही हो? अच्छा, मैं तो यहाँ काम से आई थी, फिर मैंने देखा तुम अपनी ऑफिस की लड़कियों से बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, तो मैंने कुछ मेहमानों को बुला लिया है। अब चाहो तो आप मिल सकते हो, वरना वो तो जबरदस्ती मिलेंगे ही। रिश्तेदार? कौन से रिश्तेदार? इतने भोले मत बनो, मैंने यहाँ सब कुछ देख लिया है और सब कुछ सुन भी चुकी हूँ। तुम इस लड़की को दिन दहाड़े छेड़ रहे थे और मुझसे उम्मीद करते हो कि मैं तुम्हारी आरती उतारूं? ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैंने तुम्हारी कंप्लेंट तुरंत पुलिस में कर दी है, अब तुम जेल जाओगे, जेल में सड़ोगे, समझे? और याद रखना, स्त्री का अपमान देवी का अपमान होता है, समझे? अरे मैं क्या सपना देख रहा था? हे भगवान, इतना घटिया सपना! आज के बाद किसी लड़की को नहीं छेड़ूंगा, कभी भी नहीं छेड़ूंगा, अपनी माँ समान समझूंगा। बहू, आज तू खाने में क्या बना रही है? माँ जी, सोच रही हूँ कि आपके पसंद की बिरयानी बना दूँ। क्यों, सही बोला ना मैंने? बहू, एक दिन तेरी बिरयानी की तारीफ क्या कर दी, तू तो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ी है, जब देखो बिरयानी बनाती रहती है। बहू कुछ और बना लेना प्लीज, मैं तेरे हाथ पर जोड़ती हूँ। माँ जी, मुझे नहीं पता था कि आप मेरी बिरयानी से बोर हो चुकी हो, मगर आप चिंता मत करिए, मैं आपके लिए बढ़िया सी डिश बनाती हूँ, आप भी कहेंगी कि वाह बहू वाह, क्या बात है। हा? अच्छा ठीक है बहू, जैसा तुम कहो।
जो मन हो वो बना लो। आज तो खाने में मजा आ गया बेटा, ऐसे ही बढ़िया बढ़िया डिश बनाया कर, एक ही चीज को लेकर पीछे मत पड़ा कर, समझी? अच्छा माँ जी, आपको पसंद आया? ठीक है माँ जी, आज के बाद मैं एक से एक नई डिश बना कर खिलाऊंगी, आप भी मुझे याद करेंगी हमेशा। बहू, याद करूंगी मतलब? तुम कहीं जा रही हो क्या? अरे बाप रे, लगता है माँ जी को शक हो गया है कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। इतनी बढ़िया बिरयानी बनाई थी इनके लिए, सोचा था खुश होंगी और मान जाएंगी, मगर इन्होंने तो मेरा झूठ ही पकड़ लिया शायद। बहू, तुझे भी अपने ससुर जी की आदत पड़ गई है क्या? जब देखो मुंह के अंदर कुछ ना कुछ बड़बड़ाया करती है। अरे नहीं नहीं माँ जी, आप तो मेरी बहुत प्यारी सास हैं, बल्कि सास नहीं, आप तो मेरी माँ जी हैं, माँ जी, माँ से भी बढ़कर। इतनी तारीफ तो इसने आज तक कभी नहीं की मेरी, लगता है जरूर बड़ा कांड किया है या फिर करने जा रही है। अभी पूछती हूँ इससे, कहीं मेरे कानों से धुआं ना निकल जाए। अरे बहू, बात तो बता, तुझे आज हो क्या गया है? तू ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही है? माँ जी, मैं लाख छुपा लूं मगर आपको पता ही चल जाता है। माँ जी, काफी दिनों से मुझे अपने मायके की याद आ रही है, सोचा था कि आपको बढ़िया बढ़िया खाना खिलाकर आपको पटा लूंगी, ताकि आप मुझे मायके जाने से मना ना करें। अच्छा बहू, तो ये बात थी? कोई बात नहीं, चली जाना, इसमें इतना बड़ा ड्रामा करने की जरूरत ही क्या थी? तू कहती है तो ठीक है, तू अभी चली जा, जैसा तेरा मन हो, ठीक है? माँ जी, आप तो बहुत अच्छी हैं, मैंने तो आपको ज्यादा कन्विंस भी नहीं किया और आप इतनी जल्दी मान गई, वाह, सास हो तो आपके जैसी। बेटा, सब कुछ ठीक है, मगर जो आज बनाया है ना, वो दोबारा मत बना देना। क्यों माँ जी, आपको मेरा खाना पसंद नहीं आया क्या? अरे बेटा, इसमें मुंह बनाने की कोई बात नहीं है, मुझे खाना बहुत पसंद आया। अभी तुम ही ने तो कहा था कि मैं रोज नई नई डिश बना के खिलाऊंगी, तभी मैंने बोला, अब ऐसे मुंह ना लटका, जल्दी जाकर तैयार हो जा, जा अपने मायके चली जा। ठीक है माँ जी, आप भी ज्यादा परेशान मत होना, अगर आपको लगे कि आप अकेले पड़ गए तुरंत मुझे फोन कर लेना, ठीक है? मैं भी तो आपकी बेटी के समान हूँ। बेटा, मुझे याद तो आएगी तुम्हारी, अगर तुमको भी ऐसा लगे कि तुम्हें याद आ रही है तो तुम भी आ जाना, ठीक है? ये मत समझना कि आप मायके चली गई हूँ तो कुछ दिन रह कर ही आऊँ, मन हो तो रहना, ना मन हो तो वापस आ जाना। जी माँ जी, जैसा आप कहें। और बताओ, कैसा लग रहा है घर जाते हुए? आज तो तुम बहुत खुश होगी। अपने घर जाकर कौन खुश नहीं होता, मगर 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 क्या, मैं समझा नहीं। मगर ये कि मुझे माँ जी की बहुत याद आएगी, माँ जी मुझसे लड़ती रहती है और बाद में प्यार से भी बात करती है, इसीलिए। भगवान, तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता, पास रहती हो तो दूर जाने के बहाने ढूंढती हो और दूर रहते हो तो पास आने के बहाने ढूंढती हो, भगवान ही मालिक है तुम दोनों का तो। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं, मेरी मानो तो घर वापस चलो, फिर कभी चले जाएंगे। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, मैंने ऑफिस से छुट्टी इसलिए ली थी ताकि तुम्हें मैं रास्ते भर घुमा सकूं, अब आ रही हो तो चलो मिलके ही चलना। एजी सुनो, ज्यादा बकवास ना करो, चुपचाप गाड़ी घुमाओ और घर चलो, मुझे नहीं जाना कहीं भी, और अगर तुमने ज्यादा आनाकानी की तो समझते हो ना फिर। माँ जी, कैसा लग रहा है आपको मेरे साथ बाहर आकर, मजा आया ना? अच्छा, मैं तेरे साथ आई हूँ कि तू मेरे साथ आई है बहू? कभी तो सोच समझ के बोल लिया कर। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बहू, तेरी ये मजाक, तू मुझे बंदर बोलेगी? और जो आप मुझे उल्टा सीधा बोलती रहती हैं, उसका क्या? खुद जो टोंट मारती हैं, उसका क्या? बस अपने पे आई तो निकाल ली तलवार और मारने लगी मुझे। ए बहू, ज्यादा जुबान ना चला, मेरे पास कोई तलवार नहीं है तुझे मारने के लिए, उल्टा तूने ही भले छुपाए होंगे मुझे मारने के लिए। मैडम, आपका बिल आ चुका है, प्लीज पे कर दीजिए।
चल बिल पे कर दे, घर चलते हैं, मेरे सर में दर्द हो रहा है। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आना। अरे मैंने कुछ खाया भी है जब मैं बिल पे कर दूं? सब कुछ तो आप ही ने खाया है, और जब मेरे खाने की बारी आई तो लगी मुझसे लड़ने। घर चल फिर बताती हूँ तुझे कौन बिल पे करेगा। चार प्लेट चाउमीन क्या खा ली तूने, तो मुझे दानव समझ लिया। अरे चार प्लेट चाउमीन में होता ही क्या है, खुद को देखा है? बहू एक बात बताओ। जी माँ जी बोलिए। अगर तुम पलंग पे बैठी हो और मैं आकर तुम्हारे पास बैठ जाऊँ तब तुम क्या करोगी? माँ जी अगर आप पलंग पर बैठ गई ना तो मैं सोफे पे बैठ जाऊंगी। अच्छा अगर मैं सोफे पे आकर बैठ गई तब तुम क्या करोगी? तो माँ जी मैं फर्श पे चटाई बिछा कर बैठ जाऊंगी। और अगर मैं भी चटाई पर आकर बैठ जाऊँ तब तुम क्या करोगी? माँ जी तो फिर मैं जमीन पर बैठ जाऊंगी। मैं भी अगर जमीन पे तुम्हारे बगल में बैठ गई फिर तुम क्या करोगी? माँ जी तो मैं जमीन में गड्ढा खोद कर बैठ जाऊंगी। और अगर मैं उस गड्ढे में भी आकर बैठ गई फिर क्या करोगी? तो मैं उस गड्ढे में से निकली हुई सारी मिट्टी आपके ऊपर डाल दूंगी। एक्सक्यूज मी मैडम आप कौन है? अरे क्या हो गया, मुंह क्यों खोल रखा है इतना? अरे अब बताओगे भी या मुझे घूर घूर के देखते रहोगे? मैं ये देख रहा हूँ कि कौन से पार्लर में अपनी बाल कटा कर आई हूँ। अच्छा आपको भी पसंद आए, देखा मैंने कहा था ना कि आपको बहुत पसंद आएंगे मेरे बाल। पसंद नहीं बिल्कुल बेकार लग रहे हैं बाल, पता नहीं कहाँ कटवा कर आई हो। मैं इतने मन से बाल कटवा कर आई हूँ कि आपको अच्छे लगेंगे, मगर आपने तो मेरा सारा मजा किरकिरा कर दिया। क्या आपको सच में बाल अच्छे नहीं लगे? बिल्कुल भी नहीं। ए जी सुनिए एक गिलास पानी ला दीजिए ना, बहुत जोर से प्यास लगी है। अच्छा मैडम चाय बनाने जा रही हो तो पानी भी पी लेना, मुझे भेजना जरूरी है क्या? अरे रे 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 गुस्सा क्यों कर रही हो, ला रहा हूँ ना, तुम भी ना बस गुस्से में खड़ी हो जाती हो, काम करने का टाइम तो देना चाहिए ना आदमी को। जल्दी चले जाओ पानी लेने, वरना मेरा गुस्से का प्रकोप तुमको विनाश के रास्ते पर ले जाएगा, समझे? अरे जा रहा हूँ देवी माँ जा रहा हूँ। खामखा इस बुड्ढे की पिटाई हो जाती, पता नहीं क्यों टसन लेने आ जाता है मेरे पास। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, फिर अमृत पिलाने से क्या फायदा? कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, फिर अमृत पिलाने से क्या फायदा? मेरी जान उदास क्यों बैठी हो? अरे क्या हो गया कुछ तो बोलो, सोच लो कहीं कुछ भूल तो नहीं गए। मैं क्या बोला, मैं तो कुछ नहीं बोला, काम से गया था आ गया। अच्छी तरह सोच लो, कभी पिटने के बाद सब कुछ याद आ जाए। क्या कहा था इसने, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है, एक खामुखा पिटना ना पड़ जाए। इसने कोई काम तो नहीं बोला था? सुनो मुझे कुछ याद नहीं है, तुम कोई हिंट तो दो, क्या पता मुझे याद आ जाए। ऐसा तो मत करो ना प्लीज, चुप होकर मुझे घूर रही हो। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, फिर अमृत पिलाने से क्या फायदा? हे भगवान तुमने तो मुझसे पानी मांगा था, भागो! इस आदमी का कुछ नहीं हो सकता, अपने सारे काम करके आ जाएगा दूर दूर तक, लेकिन मेरा घर का काम ये नहीं कर सकता। एक गिलास पानी भी मिलना मुश्किल है इस घर में, भगवान न जाने मेरे माँ बाप ने क्या सोचकर इसके साथ शादी करी होगी मेरी, जो आज एक गिलास पानी भी नसीब नहीं हो रहा है। आज मेरा टाइम है बेटा, कल तेरा भी टाइम आएगा, फिर बताऊंगी तुझे। अरे वाह गीता तुम आ गई, मैंने तो तुमको देखा ही नहीं। इतना भी झूठ मत बोलो,
मैं कब की यहाँ खड़ी हूँ? और मैं तो कब से आपको देख रही थी कि आप आते जाते लोगों को कैसे घूरे जा रही थी। आने दो मम्मी को, आपकी शिकायत लगाती हूँ मम्मी से। दीदी, मैं किसी को आते जाते नहीं देख रही थी, बल्कि मैं आपके भैया का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि जब मैं शाम को आऊँ तो तुम तैयार रहना, मुझे शॉपिंग पे जाना है ना, इसीलिए। शॉपिंग? कौन सी शॉपिंग? मैंने तो कोई शॉपिंग का नाम नहीं सुना। दीदी, माँ जी से कुछ मत कहिएगा, क्योंकि अगर आपने उनसे मेरी शिकायत लगा दी तो वो मुझे बाहर नहीं जाने देंगी। वैसे ही वो मुझसे बहुत गुस्सा हैं। अच्छा, मम्मी आपसे गुस्सा है? फिर तो मेरा काम बन गया। दीदी, आप मेरी छोटी बहन जैसी हैं, अगर आप ही मेरे साथ ऐसा करेंगी तो भला मैं भरोसा किस पर करूंगी? मैंने हमेशा आपको अपनी छोटी बहन माना है और आप मेरे साथ ऐसा सलूक कर रही हैं, मुझे विश्वास नहीं होता। देखो, मुझे फालतू की बातें पसंद नहीं है, ठीक है? चलो चल के मेरे लिए गर्मा गर्म खाना लगा दो, बहुत तेज भूख लगी है, 1 घंटे से यहाँ खड़ी हूँ, तुमने तो चाय पानी पूछी नहीं, तो मुझे बेशरम होकर बोलना पड़ेगा। अब चलो, यहाँ रोती ही रहोगी क्या? ठीक है दीदी, आप हाथ मुंह धोकर आइए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। ठीक है, ज़रा जल्दी लगाना, ठीक है? बहुत तेज भूख लगी है, फिर मुझे शॉपिंग पे भी तो जाना है। अरे गीता, तुम कब आई? भैया, मैं तो बहुत देर की आई हुई हूँ, बस किसी ने मुझसे खाने पीने के लिए नहीं पूछा, बहुत तेज भूख लगी थी, दौड़ दौड़ कर किचन की तरफ पहुँची तो देखा घर में कोई नहीं। सुनो, तुम क्या कर रही थी? मेरी बहन कब से आई है, उसको खाने पीने के लिए पूछा तुमने कि नहीं? जी, मैं आपका इंतज़ार कर रही थी, मुझे लगा कि आप जल्दी आ जाएंगे, मगर आपसे पहले दीदी वहाँ आ गई और मुझे बोलने लगी कि मुझे भूख लगी है, तभी मैं यहाँ किचन में आ गई, मैंने दीदी को खाना पीना सब खिला दिया है। अच्छा, तो ये क्या झूठ बोल रही है? वैसे तो कर क्या रही थी खिड़की के पास खड़ी होकर? माँ जी, मैं कुछ नहीं कर रही थी, मैं तो आपके बेटे का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि हमें शॉपिंग पे जाना है ना, इसीलिए। मम्मी, मैं बताती हूँ कि भाभी कर क्या रही थी। जब मैं आई तो मैंने देखा कोई नहीं है यहाँ, तो मैं रूम की तरफ चली तो मैंने देखा भाभी खिड़की से खड़े होकर न जाने किसको इशारे कर रही थी, और मुझे देखकर बहुत बुरा लगा। जब मैंने भाभी को बोला ना कि आप यहाँ क्या कर रही हो, तो बोल रही ही कि मैं भैया का इंतज़ार कर रही थी। अब भला भैया आएंगे तो दरवाजे से ही तो आएंगे, खिड़की से थोड़े ही। अरे तू चिंता ना कर बहन, मैं उसको समझा दूंगा, उसके माँ बाप ने उसको सिखाया नहीं है ना, इसीलिए। वो सिखाया होता तो आज ये लक्षण ना होते इसके। और बता बेटा, ससुराल में सब कुछ ठीक है? दामाद जी क्यों नहीं आए? अरे मम्मी, क्या बताऊँ, मेरा तो वहाँ जीना हराम किया हुआ है, ना कहीं उठ सकती हूँ ना कहीं बैठ सकती हूँ, मेरी ननद मुझको इतना परेशान करती है कि मुझे मजबूरी में यहाँ आना पड़ गया, अब मैं 2 महीने से पहले यहाँ नहीं जाऊँगी, बता दिया मैंने, और आपको भी मैं बता दे रही हूँ कि आप मुझे भेजना मत, क्योंकि वहाँ मुझे बहुत परेशान किया जाता है। तू अच्छे से उन लोगों का ख्याल रख रही है कि नहीं? फिर वो तेरे साथ ऐसी हरकत क्यों कर रहे हैं? मम्मी, मैं वहाँ अपने पसंद का ना ओढ़ सकती हूँ, ना पहन सकती हूँ, ना खा सकती हूँ, ना कहीं जा सकती हूँ। अगर मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि आज तुम्हें घुमाने ले जाऊँगा, तब भी मुझे वो लोग ताने मार मार के मना ही करवा देते हैं। कल ही की बात देखो कि मैंने उनसे कहा कि चलो मुझे शॉपिंग पे ले चलो, मगर उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं अपनी मम्मी और बहन को भी ले चलूँगा। मैंने कहा मुझे अकेले शॉपिंग करवा लाओ,
मगर उन्होंने मुझे मारा और कहा कि मेरा पूरा परिवार जब एक साथ शॉपिंग करने जाएगा तभी मैं जाऊंगा तुम्हें शॉपिंग कराने, वरना तुमको भी नहीं लेकर जाऊंगा। भैया, भाभी बता रही थी कि आप शॉपिंग पे जा रहे हो दोनों, मैं और मम्मी भी चलते हैं, आप हमको भी शॉपिंग करा लाना ना। हाँ क्यों नहीं बहन, आखिर हमारा पूरा परिवार एक साथ जाएगा तभी तो अच्छा लगेगा ना। उसका क्या है, उसको तो मैं कभी भी शॉपिंग करा दूंगा, मेरे लिए तो तुम दोनों भी उतने ही इम्पोर्टेंट हो जितनी वो है। ठीक है चलो मैं चलता हूँ, तुम दोनों तैयार हो जाओ, फिर मैं तुम तीनों को साथ में ले जाऊंगा। एक मिनट, पहले मेरी बहू को वापस बुलाओ, मुझे कुछ बात करनी है। मम्मी, उनको बुलाने की क्या जरूरत है, देखा ना वो खिड़की से कैसे इशारे कर रही थी। बहू, ओ बहू, जरा इधर आना। जी माँ जी, आपने मुझे बुलाया। हाँ बुलाया, किसी काम से बुलाया। बोलिए माँ जी, आपने भी तो मुझे नहीं डांटा, आप भी डांट लीजिए, मैं तो हूँ ही सुनने लायक। गलती मेरी ही थी कि मैं खिड़की पे खड़े होकर इनका इंतज़ार कर रही थी, आप भी माँ जी डांट लीजिए मुझे। बहू, तेरी शादी को कितना टाइम हो गया? माँ जी, पूरे 5 साल हो गए मेरी शादी को। अच्छा, तो 5 सालों में तो कितनी बार अपने घर गई है? माँ जी, जब से शादी हुई है ना, तब से मैं अपने घर एक बार भी नहीं गई। यहाँ तक कि जब मेरे मम्मी पापा भी बीमार थे ना, मैं तब भी नहीं गई। क्या करूँ, इस घर की जिम्मेदारियाँ ही मेरे कंधों पर है ना, इसीलिए। हाँ, अब तू बता कि मेरी बहू खिड़की पे खड़े होकर किसको इशारे कर रही थी, बोल। मम्मी, मैंने बताया तो कि भाभी किसी को इशारे कर रही थी, मैंने उनको पकड़ा तो बोल रही थी माँ जी से मत बताना, ये तो मैं अब बता रही हूँ, वरना तो इन्होंने मना ही कर दिया था आपको बताने के लिए। भला अगर कोई सही हो तो वो ऐसी बात क्यों बोलेगा भला। कान खोल के एक बात सुन ले, जब से ये इस घर में आई है ना, तब से आज तक ना तो ये अपने घर गई है, ना इसने अपने घर वालों से बात करने की कोशिश की है, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी। मगर आज तेरी बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैंने अपनी बहू के साथ इतना बड़ा जुल्म कर दिया। अरे नालायक, परिवार की जिम्मेदारी भी उठानी सी, जैसे मेरी बहू संभालती है, समझी। और तू है कि वहाँ से लड़ाई झगड़ा कर यहाँ रहने आ गई, वो भी पूरे 2 महीने के लिए। जब तेरा पति तुझे शॉपिंग कराने ले जाता है और उसकी फैमिली उसके साथ जाती है, तब तो तुझे बड़ी चिड़न होती है, और आज जब मेरी बहू शॉपिंग करने के लिए जा रही थी तो तू क्या बोल रही है कि हम दोनों भी चले। अरे जैसे तू चाहती है कि तेरे साथ व्यवहार हो, वैसा ही हमें दूसरों के साथ व्यवहार करना चाहिए, समझी। एक हाथ देना और एक हाथ लेना। मुझे आपकी बकवास नहीं सुननी, ठीक है मैं जा रही हूँ अपने ससुराल। कम से कम मेरा पति इतना तो नहीं सुनाता, और ना ही मेरी सास इतनी सुनाती है, वो तो बेचारी गाऊ है गाऊ। अच्छा वो सब अच्छे हैं, तो तू यहाँ क्या कर रही है, तुझे भी यहाँ नहीं आना चाहिए था। अरे अच्छा और बुरा समय तो चलता ही रहता है, इसका मतलब ये थोड़े ही कि हम अपना परिवार छोड़कर दूसरे के घर जाकर बैठ जाएं। अब ये परिवार तेरा नहीं है, तेरा परिवार तेरा ससुराल है, समझी। और माना कि मेरी बहू से खटपट होती रहती है, तो मैं उससे नाराज इसलिए रहती हूँ कि जब भी कोई ऐसी बात होती है जहाँ उसको बोलना चाहिए वो वहाँ नहीं बोलती, चुपचाप होकर टसुए बहाया करती है, इसीलिए मुझे उस पर ज़्यादा गुस्सा आता है। अब तू यहाँ खड़े होकर मेरा मुंह क्या देख रही है, जा किचन में काम कर, और ऐसे झूठे लोगों की वजह से अपना दिन खराब नहीं किया करते, जल्दी जल्दी किचन का काम खत्म कर और जा शॉपिंग पे, समझी। और ऐसे लोगों को ना मुंह तोड़ जवाब देना सीख, वरना मैं तुझसे ज़िंदगी में कभी बात नहीं करूँगी, समझी। हमेशा मैं तेरे पीछे नहीं रहूँगी तुझे बचाने के लिए, समझी। माँ जी, मैंने पिछले जन्म में ज़रूर अच्छे कर्म करे होंगे,
जो उन कर्मों का फल मुझे इस जन्म में मिला है। आप बहुत अच्छी हैं माँ जी, जो मेरे बिना कुछ कहे सब कुछ समझ जाती हैं। हो गई तारीफ, अब जा किचन में जा और जल्दी से काम खत्म कर, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा मूड चेंज हो जाए और तू शॉपिंग पे भी ना जा पाए, समझी? ठीक है माँ जी, मैं जा रही हूँ। मम्मी मैं भी जा रही हूँ और आज के बाद यहाँ कभी नहीं आऊँगी। जिस घर में मेरी बेइज्जती हो वहाँ मैं जाना पसंद नहीं करती। अरे जा जा, आई बड़ी ना आने वाली। मैं तो चाहती हूँ कि तू आए ही ना, अपने ससुराल में रह, उनकी सेवा कर। अरे सेवा करेगी तभी तो मेवा मिलेगा, बिना सेवा के कुछ मिलेगा क्या? मम्मी मैं जा रहा हूँ तैयार होने, ठीक है? आपकी बहू को शॉपिंग करानी है ना। अब तू हगेगा भी मुझसे पूछ के, है ना? इतनी देर से बोल रही हूँ कि जा यहाँ से, यहाँ खड़े होके मेरी बातें सुनना है, चल जा भाग यहाँ से। ठीक है मम्मी, जैसा आप कहें। देखिए मेरा मकसद किसी को चोट पहुँचाने का नहीं है, ना ही किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का है। जैसे हम अपनी बेटी को प्यार करते हैं ना, वैसे हमें बहू को भी प्यार करना चाहिए। दोनों में अंतर नहीं करना चाहिए, वरना गलत प्रभाव पड़ता है। देखा यहाँ मेरी बेटी अपनी बहू के बारे में कैसी कैसी बातें कर रही थी। अगर मैं उसकी बातों को सच मानकर उस पर विश्वास कर लेती और अपनी बहू को उल्टे सीधा बोल देती तो मेरी बहू को कितना बुरा लगता। अगर मेरी बहू बुरी होती तो एक बार को मैं उसे डांट भी देती, मगर मेरी बहू गऊ है गऊ, बिल्कुल गाय की तरह सीधी, किसी को कुछ नहीं बोलती। और अगर मैं उसकी साइड ना लेती ना आज, तो वो दिन भर रोती रह जाती और हमेशा यही सोचती कि मैं उसके साथ भेदभाव कर रही हूँ। इसीलिए अपनी आंखें खोलनी ज़रूरी है, सही गलत में अंतर जानना बहुत ज़रूरी है। आप भी अपने घर में खुश रहिए और देखिए क्या चीज़ गलत हो रही है। अगर कोई चीज़ गलत हो रही है तो उसको सुधारिए, सुधारना आपका काम है, सुधरना न सुधरना बच्चों का काम है, समझी? माँ जी कैसा लग रहा है आपको मेरे साथ बाहर आकर, मज़ा आया ना? अच्छा मैं तेरे साथ आई हूँ कि तू मेरे साथ आई है बहू, कभी तो सोच समझ के बोल लिया कर। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बहू तेरी ये मजाक, तू मुझे बंदर बोलेगी? और जो आप मुझे उल्टा सीधा बोलती रहती हैं उसका क्या, खुद जो टोंट मारती हैं उसका क्या? बस अपने पे आई तो निकाल ली तलवार और मारने लगी मुझे। ए बाबू ज्यादा जुबान ना चला, मेरे पास कोई तलवार नहीं है तुझे मारने के लिए, उल्टा तूने ही भाले छुपाए होंगे मुझे मारने के लिए। मैडम आपका बिल आ चुका है, प्लीज पे कर दीजिए। चल बिल पे कर दे, घर चलते हैं, मेरे सर में दर्द हो रहा है। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आना। अरे मैंने कुछ खाया भी है जब मैं बिल पे कर दूं? सब कुछ तो आप ही ने खाया है, और जब मेरे खाने की बारी आई तो लगी मुझसे लड़ने। घर चल फिर बताती हूँ तुझे कौन बिल पे करेगा। चार प्लेट चाउमीन क्या खा ली तूने, तो मुझे दानव समझ लिया। अरे चार प्लेट चाउमीन में होता ही क्या है, खुद को देखा है? बहू आज हमें शादी में जाना है, चलो तैयार हो जाते हैं और अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर वहाँ पर सब पर इम्प्रेशन जमाते हैं। ठीक है माँ जी, मैं अच्छे से तैयार होकर बाहर आती हूँ, फिर देखना कि कौन सुंदर लगता है। अच्छा तुम मुझसे कंपटीशन करोगी, चलो आज हो ही जाए कौन कितना सुंदर लगता है। ठीक है माँ जी। माँ जी मैं तैयार हो गई। तुम तो कह रही थी मैं तैयार होकर आ रही हूँ, मुझे तो तुम कहीं से भी तैयार नहीं लग रही। अरे माँ जी मैं क्या बताऊँ, मैं तैयार तो होने जा रही थी मगर इतने में चिंटू के पापा आ गए। अब बताओ उनके लिए मैं खाना बनाऊँ कि मैं शादी में जाऊँ? अरे बहू तुम भी ना, अगर ये बात थी तो मुझे पहले बता देती। चलो अब शादी में कोई नहीं जाएगा, चलो मैं किचन में चलकर तुम्हारी हेल्प कराती हूँ।
माँ जी आप बहुत अच्छी हैं, चलो किचन में चलकर उनके लिए बढ़िया सा खाना बनाते हैं ताकि वो खुश होकर हम दोनों को शाम को पार्टी में ले जा सके। चलो वो काम तो सारा हो गया, अब बताओ आगे क्या करना है। माँ जी आगे की बात आप मुझ पर छोड़ दीजिए, अभी चिंटू के पापा को बोलती हूँ कि हम लोगों को पार्टी में ले जाए। बाबू जैसी तुम्हारी मर्जी। अरे तुम बाहर क्यों खड़ी हो, आओ बिस्तर में, अब सोने का टाइम नहीं हो रहा क्या? ए जी सुनिए तो जरा, रोज तो आप इतनी लेट सोते हो, आज इतनी जल्दी जल्दी कैसे सो रहे हो? अरे आज बॉस ने बहुत सारा काम दिया था तो सोच रहा था कि जल्दी सो जाऊंगा, थक गया हूँ ना। अच्छा तो ये बात है। ए जी सुनिए, पड़ोस में ना बगल वाली आंटी की लड़की की शादी है, आप हमें वहाँ ले जाइए ना। अरे क्या हुआ, नहीं ले जाना तो मत ले जाइए, कोई बात नहीं, मगर आप उदास तो मत होइए ना। अरे नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि मैं इतना थका हुआ हूँ कि तुम लोगों को लेकर कैसे जाऊँगा। कुछ नहीं, बस अपनी कार की चाबी दे दीजिए फिर हम चले जाएंगे। अभी भी सड़ा हुआ मुंह बनाया है, अब क्या हुआ, अब तो मैंने कुछ भी नहीं कहा। अरे तुम चला पाओगी कार? अगर चला पाओगी तो ले जाओ, मगर आराम से जाना। ठीक है हम आराम से जाएंगे, अब तो दे दो कार की चाबी। ठीक है तो ड्रॉर में रखी है, ले जाओ। देखो मम्मी सही किया ना मैंने। हाँ बेटा आज बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे पुराने दिन वापस आ गए हो। अब हम जब भी जाया करेंगे तो चिंटू की कार से जाया करेंगे और खूब मजे करके आया करेंगे, हमको किसी की जरूरत नहीं। ठीक है बाजी, बस अब हम पहुंचने वाले हैं। बहू तुमने तो कहा था हम शादी में आएंगे, ये कहाँ पार्टी में ले आई? अरे मम्मी जी शादी में जाना होता तो ऐसे थोड़ी ही आते, आज मैं आपको पार्टी की सैर कराऊंगी, पार्टी की। फिर देखना आप हमेशा यही कहोगे कि चलो बहू पार्टी में चलते हैं। बहू आज बहुत मजा आया, कल भी हम ऐसी पार्टी में चलेंगे, मुझे तो बहुत नींद आ रही है, अब मैं सोना चाहती हूँ, चलो सुबह उठ के बात करते हैं। जी माँ जी जैसा आप चाहें, ठीक है कल भी ले चलूंगी आपको। बहू ओ बहू बेटा एक कप चाय पिला दो। मम्मी जी आपने बुलाया, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आती, ठीक है मम्मी जी। बापा नाराज आई तुझे और जाई, तूने ओ मैं बापा जरा ये तो बता मुझसे कमाई कितनी खाई। ये कैसा गाना गा रहे हो, इसमें तो ये वर्ड आता ही नहीं है, तुम क्यों गा रहे हो? मैं इसलिए गा रहा था कि जब मैं नहाने जाता हूँ तो एक चोर है ना, वो मेरे कपड़ों में से पर्स निकाल कर सारे पैसे चुरा लेता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम घुमा फिरा के मुझे ही सुना रहे हो, है ना? अगर गाना तुम्हारे सामने गा रहा हूँ इसका मतलब सुना भी तुम्हें ही रहा हूँगा। जुबान संभाल के बात किया करो, अगर मैंने कुछ सुना दिया ना तो अभी कान से खून बाहर आ जाएगा, समझे? हाँ एक तुम ही तो हो जो कान से खून बाहर निकाल सकती हो। आज शादी में जाना है शाम को, याद है कि नहीं? कि वो भी भूल गए, जब मेरे सारे पैसे निकाल दिए तो मैं क्यों जाऊँ शादी में, तुम ही चली जाओ, मैं तो नहीं जाने वाला। अरे अरे तुम भी मेरा मजाक नहीं समझती क्या? अरे चल तो रहा हूँ बाबा, मैं तो ये कह रहा था कि मेरे पास कपड़े नहीं है ना, तो कपड़े निकाल दो तो मैं शाम को तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। अच्छा जो अपना मन बदल लिया, वरना तुम्हारी शक्ल बदलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, समझे? हाँ, मुझे पता है। अरे जाओ जाओ तुम भी तो तैयार होकर आओ ना, तुम तैयार होके आओगी तभी तो मैं देखूंगा ना कि तुम कितनी सुंदर लगोगी, है ना? आज तो मेरी रानी पूरी शादी में सुंदर लगनी चाहिए। जरूरत से ज्यादा चीनी खाने पे ना शुगर होने लगती है, तो बेहतर होगा कि ज्यादा मक्खन ना लगाओ, समझे? वरना जानते तो हो ही। अरे वरना छोड़ो, जाओ तुम तैयार हो कराओ पहले।
चलो ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ, समझी? अरे ओ फूलन देवी, कितना टाइम लगाओगी? शादी हमारी थोड़ा ही है जो तुम इतना संवर रही हो। अरे वाह, मेरी फूलन देवी तो बहुत सुंदर लग रही है। क्यों फूलन देवी, आज तो मस्त लग रही हो। दादाजी एक बात कहूँ? हाँ बोलो ना। मैं ये कह रहा था, चलो आपकी तो उम्र ही हो गई है, लेकिन अभी तो मैंने कुछ भी नहीं देखा। मान ठिकाने पे है, बोल क्या रहा है तू? जो भी बोलना है ना साफ साफ बोल, ये घुमा फिरा के बातें मत कर, समझा? हाँ? आप कह ही रहे हो तो मैं साफ साफ बोल देता हूँ, फिर बुरा मत मान जाना। अरे आज ही बोलेगा कि कल तक वेट करना पड़ेगा मुझे। दादाजी जब हम रोड पे जा रहे हो ना तो कभी स्पीड से गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, मगर आपने इतनी स्पीड से गाड़ी चला रखी है कि मेरे बालों का बुरा हाल हो गया है। जरा पीछे पलट कर तो देखो। अच्छा, तो इसमें मेरी उम्र कहाँ से आ गई? कहने का मतलब ये है कि इतनी स्पीड से गाड़ी चलाओगे ना तो एक्सीडेंट हो जाएगा। आपकी तो उम्र हो गई है, मैंने कुछ देखा नहीं, बेचारा मुझे ऐसे ही जान से जाना पड़ेगा। अभी बताता हूँ तुझे। दादी, ओ दादी। अरे दादी छोटी रहोगी कि मुझे भी देखोगी? अरे बेटा तुझे इतनी चोट कैसे लगी? ये बगल में जो बैठे हैं ना, इन्होंने मुझे मुक्का मारा। शर्म नहीं आती तुमको छोटे से बच्चे पे हाथ उठाते हुए, वो भी मेरी गैर हाजिरी में? तुम्हारे दिमाग में ना गोबर ही भरा रहता है हमेशा। अच्छा तो इतनी देर से चाट क्यों रही हो? तुमको पता है एक दिन भगवान ने एक आदमी की मेमोरी डिलीट कर दी, फिर उससे भगवान ने पूछा तुम्हें कुछ याद है? क्या हुआ? बस होना क्या था, भगवान ने कहा कि कुछ भी याद हो तो बताओ। तब आदमी ने अपने पत्नी का नाम बता दिया। अच्छा फिर क्या हुआ? बस भगवान ने कहा सारा सिस्टम फॉर्मेट कर दिया, मगर वायरस अभी तक नहीं गया। अरे बाप रे, भागो। समझा नहीं? अरे साफ साफ बोलो ना क्या बोल रही हो।
अरे मेरे कहने का मतलब ये है कि तुमने मुझे तो इतना मॉडर्न बना दिया। अगर खुद भी कुछ मॉडर्न बन के आ जाते तो कितने अच्छे लगते। अरे उससे क्या फर्क पड़ता है कि मैंने कपड़े बदले हैं कि नहीं बदले। तुम प्यारी लग रही हो ना, मेरे लिए यही काफी है। जी आप मुझे कितना प्यार करते हैं, मुझे आज महसूस हुआ है कि आप मुझसे सच में प्यार करते हैं। अरे मेरी फूलन देवी, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, बस तू जो मेरी बात नहीं मानती ना, बस वही मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा, लेकिन मैंने आपकी कौन सी बात नहीं मानी ये तो बताओ। अरे मैंने कहा था ना तुझसे कि तुमने बाल मत कटवाना, लेकिन तूने तो जितने मैंने कहा था उससे भी कम बाल कटवा दिए। ऐसा क्यों किया तूने? अरे आपका कहना बिल्कुल सही है, मैं लंबे बाल रख रख के थक गई थी, इसीलिए मैंने सोचा थोड़ा लुक चेंज हो जाएगा। और वैसे भी ये तो घर की खेती है ना, घर की खेती होने से तो जल्दी बाल उग जाएंगे, समझे? इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है। चल ठीक है, तू बोल रही है तो कोई बात नहीं, सब अच्छा ही होगा। वैसे एक बात कहूँ, आज तू सच में बहुत प्यारी लग रही है, एकदम महारानी की तरह। एक बेवफा के जख्मों पर मरहम लगाने हम गए, बेवफा के जख्मों पर मरहम लगाने हम गए, मरहम की जगह मरहम ना मिला, मरहम की जगह मर हम गए। दांत टूटने की उम्र आ गई है और बचपना अभी तक नहीं गया। मेरी जान, दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी। अरे क्या हो गया है, तुम ऐसी ऐसी बातें क्यों कर रहे हो बहकी बहकी सी? सुनो, मुझे थोड़ा घूमने जाना है, क्या मैं जा सकता हूँ? अच्छा, तो इसीलिए गाना गा रहे थे। ठीक है, तुम चले जाओ, लेकिन कम से कम ऐसे ऐसे गाने सुना के मेरा कान तो ना पकाओ। चुपचाप जाकर किचन में बर्तन पड़े हैं वो धो जाके, आए बड़े घूमने वाले। बस यही कारण है कि तुमसे सीधे सीधे कोई बात बताया नहीं करता मैं। तुम्हें पता है ना कि मेरी ना ही होती है, तो ऐसे सवाल ना पूछा करो जिनका जवाब मैं ना ही करूं, समझे? अब जाओ, मुझे गुस्सा आ रहा है बहुत जोर से, अगर बर्तन साफ ना हुए ना तो देख लेना। अरे ओ चम्मक, चलो छत पे, क्या कर रही हो रात में, चलो नीचे। बस घूमने आई तो मेरे पीछे पीछे चले आए। अरे मैं ये कह रहा हूँ रात हो रही है, चलो नीचे, सोने का टाइम हो गया है। अच्छा, और अगर तुमने मुझे ये बोला ना कि खा खा के मोटी हो रही है, फिर बताऊंगी तुम्हें। अरे मैं कहाँ, तुम मेरे चक्कर में पड़ी रहती हो, मैं तो मजाक कर रहा था, अब तुम्हें छेड़ू भी ना तो किसे छेड़ू, जाकर बाहर वाले को। अच्छा, बाहर वाले को छेड़ोगे, ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें ही छेड़ दूं अभी रात में। अरे यार उल्टी सीधी बातें कर रही हो, चलो नीचे, रात हो गई है, सोते हैं चल के। चलो ठीक है, सुनो मेरे लिए एक कप चाय बना दो ना प्लीज, मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं बना सकती, और अपने लिए बनाओगी तो एक कप चाय मुझे भी दे देना। मुझे तो पता ही था कि काम के वक्त तेरी तबीयत खराब हो जाती है, बस काम बताया नहीं और तेरी तबीयत खराब शुरू। ले मैं भी सो जाता, गुड नाइट। अच्छा मेरी फूलन देवी तो यहाँ बैठी है गुस्से में। अरे ओ फूलन देवी, तेरा पीछे पलट कर तो देख, 30 साल से तुम्हें देखी तो रही हूँ, मिला क्या मुझे? अब यही बाकी रह गया, गुस्सा थूक भी दो। अरे चलो दिलवा देता हूँ साड़ी, और क्या, अब मेरी जान लोगी, कह तो रहा हूँ माफ भी कर दो। सच मुझ बोल रहे थे कि झूठ बोल रहे थे मेरा दिल रखने के लिए? बाकी सब तो ठीक है, बस तेरे अंदर एक ही कमी है, तू जो मुझ पर विश्वास नहीं करती ना, ये गलत बात है। आदमी अगर विश्वास के काबिल हो ना तो उस पे किया भी जाता है, तुम्हारे जैसे पे थोड़े ही। तुझे दुनिया की चांद तारे भी तोड़ के ला दूं ना, तब भी तुझे मुझ पर विश्वास नहीं होगा। अब चल दुकान में और ले ले साड़ी, मेरा दिमाग तो खराब मत कर। अरे अब क्या याद आ गया, क्यों हंस रही है?
मैं ये सोच के हंस रही हूँ तुम्हारे पास दिमाग है जो खराब होगा। दुकान में चलना है कि नहीं, या मेरा मूड खराब करना है बस? हाँ ठीक है, चलते हैं, नाराज मत हो। फिर जल्दी जाकर हमें वापस भी तो लौटना है ना। अब क्या हो गया, अब मुझे घूरते भी रहोगे कि चाय पियोगे? अरे मैं ना ये सोच रहा था कि साड़ी की बात तय हुई थी, तू तो मुझे रेस्टोरेंट में ही लेकर आ गई। वही बात हो गई ना, उंगली पकड़ाई और पूरा हाथ ही थाम लिया। अगर तुम्हारे थोड़े पैसे खर्च हो भी गए तो क्या हो गया, है तो सब मेरे ही, कौन सा तुम छाती पे लेकर जाओगे? अरे चलो चाय पियो और घर चलो, मेरा मन नहीं लग रहा, जी घबरा रहा है, पता नहीं कितने पैसे और खर्च होंगे। ठीक है। दादाजी मुझे चॉकलेट खिला दो ना। हाँ क्यों नहीं, जो चार दांत बचे हैं ना वो भी टूट जाएंगे। अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो दादाजी, चार दांत से ही तो सुंदरता बनती है। अपने दांत देखे हैं? चलो मैं तो चॉकलेट खाता हूँ, मेरे दांत इसलिए टूट जाएंगे। आप क्या खाते हो जो आपके दांत एक भी नहीं बचे? तुम क्या स्कूल में यही पढ़ने जाते हो कि अपने दादाजी को मजाक कैसे बनाया जाए? शर्म नहीं आती मेरे बारे में ऐसा बोलते हुए? अभी बुलाता हूँ तेरी दादी को, फिर देखता हूँ कौन खिलाएगा तुझे चॉकलेट। दादाजी मैं तो मजाक कर रहा था। चलो चलो आज शिमला मिर्च और आलू गोभी की सब्जी खाते हैं, मम्मी ने बड़े प्यार से बनाई है। आलू गोभी की सब्जी वो कौन खाएगा? क्यों क्या हुआ, आपकी तो फेवरेट है ना? अरे हाँ हाँ मैं तो भूल गया था, मेरी फेवरेट है। दादी, ओ दादी, दादाजी को भूख लगी है, आज तो आपने उनकी फेवरेट खाना बनाया है, जल्दी से लेकर आइए ना, आलू गोभी और शिमला मिर्च की सब्जी। एक मारूंगा जब देखो मेरा मजाक बनाता रहता है। अभी बताता हूँ तुझे। अरे अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो आपको आलू गोभी और शिमला मिर्च की सब्जी खानी पड़ेगी। हाँ जी मैंने सुना आपको खाना खाना है। आ गई कौन चूसने, शर्म नहीं आती आलू गोभी की सब्जी बनाते हुए? खाने की चीजों को देखकर इतना गुस्सा क्यों रहते हो? आलू गोभी की सब्जी तो अच्छी है, खानी चाहिए। समझ नहीं आता इस आदमी को खाना क्या होता है। अरे नहीं खाना था तो बता दिया होता ना, मैं कुछ और बना देती। तुझे तो कुछ पता ही नहीं है, 40 साल हो गए तेरे साथ रहते रहते, तुझे इतना नहीं पता मुझे आलू गोभी की सब्जी अच्छी नहीं लगती। तो ज्यादा ही बोलने लगी हो, शायद मैंने ज्यादा छूट दे दी आपको। हाँ छूट मैंने तुमको दी है कि तुमने मुझे दी है? मैंने तो पहले कहा था मुझे चॉकलेट दिला देते तो शायद इतना झगड़ा होता ही नहीं। हाँ तू पहले चॉकलेट खा, तेरी आत्मा को तभी शांति मिलेगी, जब तक तू चॉकलेट नहीं खाएगा तेरे चार दांत टूट ना जाए। ए जी बच्चों पे गुस्सा क्यों दिखाते हो, इतने बड़े हो गए हो सब्जियां नहीं खाई जाती क्या तुमसे? बच्चों को फेल कर रखा है तुमने तो। अरे रहने दो दादी, आज मुझे चॉकलेट मिलेगी ही नहीं, आज अपना प्लान बी ही रखना। अरे अब क्या हुआ, क्या कोई मुझे ये बताएगा कि ये प्लान बी और ए है क्या? अरे दादाजी मैं बताता हूँ कि प्लान ए और बी है क्या। मैंने दादी से कहा था कि मुझे चॉकलेट दिला दे तो दादी ने मना कर दिया, बोला कि दादाजी से बोल कि तुझे चॉकलेट दिला देंगे। तो मैंने दादी से बोला कि अगर दादाजी मना कर दे तो क्या होगा? फिर क्या, मैंने कहा अगर दादाजी मना कर देना तो मैं उनसे बोलूंगा कि आज आलू गोभी की सब्जी बनी है, तो दादाजी अपना मुंह जड़ा लेंगे। तभी लड़के मैंने तो कहा ही था कि तू तो स्कूल में जाकर मुझे परेशान करने की तरकीबें ढूंढा करता है। अरे दादाजी मैं तो मजाक कर रहा था, कोई आलू गोभी की सब्जी नहीं बनी है। तो क्या बनाया है आज खाने में? आज खाने में राजमा चावल बनाए हैं, आपके फेवरेट, समझे?
इतना ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं थी जितना आपने बांट दिया। मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुमने मेरा फेवरेट खाना बनाया है। वो तो क्या, वो तो छोटू ने बोला ना कि आज आलू मिर्च की सब्जी बनी है, तभी मेरा दिमाग खराब हो गया था। अच्छा अब क्या, अब बताओ। अरे अब तो मैं बात खुश हूँ, तुम भी भंगड़ा करो समझी। और दादाजी अब चॉकलेट खिलाओगे कि नहीं? अरे हाँ बाबू खिलाऊंगा, तू जो कहेगा वो चॉकलेट खिलाऊंगा समझे। आज तो मेरा फेवरेट राजमा चावल बना है, इस आदमी को कोई नहीं समझा सकता और समझ भी नहीं सकता। पता नहीं खाने में क्या क्या पसंद रहता है बच्चों की तरह। हाँ? आप दोनों नाच रहे हो तो मैं भी नाचना चाहता हूँ। कहानी से हमको क्या सीख मिलती है? यही कि बच्चों को बड़ों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और बड़ों को भी चुपचाप जो घर में बना हो वो खा लेना चाहिए। और छोटू तुम बताओ तुम्हें क्या सीख मिली? यही कि बच्चों को बड़ों से जिद नहीं करनी चाहिए, बड़ों का कहना मानना चाहिए। हाँ तो आइंदा कभी जिद करोगे? नहीं दादी मैं कभी जिद नहीं करूँगा, ना दादा से ना मम्मी से ना पापा से ना आपसे। वेरी गुड बेटा, अब हमेशा ऐसे ही रहना तुम दोनों।